हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है, यानी NPCI जो आप लोग जानते होंगे वो किससे लिंक है। आपका आधार कार्ड अगर गवर्नमेंट आपके अकाउंट में रुपए भेजती है तो किस अकाउंट में आएंगे, अगर आपका अकाउंट एक से अधिक है तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें हम UIDAI की वेबसाइट को सर्च करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीका का पेज आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके सामने बाद हमारा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है अपना आधार सर्विसेज पे क्लिक। आधार सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा आधार लिंकिंग स्टेटस। ये दो ऑप्शन है, इनमें से किसी पे भी आप कर सकते हैं। दोनों पे एक ही हैं ये दोनों। तो चलिए हम इनमें से एक पे कर देते हैं, आधार लिंकिंग स्टेटस वाले पर। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बैंक सीडिंग स्टेटस, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस वाले ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो स्कॉलरशिप है या PM किसान सम्मान निधि है या कोई भी TBT जो गवर्नमेंट की तरफ से रुपए आई है वो किस अकाउंट में आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले तो हमें अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो भी है अपना वो डाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है कैप्चा कोड। उसके बाद सेंड OTP, और OTP आएगा आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो लगा हुआ है उस पर OTP आएगा। कभी कभार थोड़ा टाइम ले लेता है, साइट बिजी होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP यहाँ पे चला जाएगा। जैसा कि हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है तो हम OTP यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद फिर से एक पेज खुल जाएगा, पर लेकिन ये हमारा पेज है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखाई दे जाएगी अपनी, और यहाँ से आप चाहे तो अपना आधार कार्ड एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, चाहे और PVC वाला जो आधार कार्ड होता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे ये काम छोड़ के अपना ये बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये एक नया पेज हमारे सामने खुल गया। उसके बाद यहाँ पे दिखाई आ जाएगा हमारा आधार कार्ड नंबर लास्ट, और बैंक कौन सा बैंक लिंक है वो सामने आ जाएगा। जैसा हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैनरा बैंक है। बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक बैंकिंग हैज बीन डन। तो सिंपल सा तरीका था ये, आप घर बैठे खुद से कर सकते हैं ना किसी जन सेवा केंद्र वगैरह पर जाकर। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।